नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि बिहार सरकार की जो उदासीनता है आज के इस पेपर कटिंग जो प्रभात खबर पटना संस्करण है, राजदेव पांडे इस खबर को ब्रेक किए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि उच्च माध्यमिक स्कूलों के जिम्मे एक से दो शिक्षक। देख सकते हैं उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद, पढ़ा रहे हैं सिर्फ 12,000 शिक्षक। देख सकते हैं कैसी विडंबना है बिहार की, और इसमें हम दिखाएंगे आपको कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार क्या कह रहे हैं कि 1.40 लाख से अधिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां, 9,360 माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी। माध्यमिक शिक्षकों की अगर देखा जाए तो स्वीकृत संख्या जो है वो 76,648 है, जिसमें से 32,455 ही कार्यरत हैं, और 4,493 जो है, 44,193 जो है वो वैकेंसी है आपको सेकेंडरी में। और हायर सेकेंडरी में देखा जाए तो 72 हाल है हायर सेकेंडरी में, इसमें से 1 लाख कुछ वैकेंसी स्वीकृत संख्या है, जिसमें से मात्र आपको 11,000 जो है वो कार्यरत है, मात्र उच्च माध्यमिक के 11,000 शिक्षक कार्यरत है, 89,734 जो है रिक्तियाँ जो हैं वो वैकेंट है। प्रधानाध्यापक को देख सकते हैं आप, स्वीकृत कार्यरत रिक्तियों का विशेष तथ्य है यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसी विडम्बना है, आप देख सकते हैं कैसी विडम्बना है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की पढ़ाई अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। प्रदेश के कुल 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल उत्क्रमित, प्लस टू स्कूल सहित में शिक्षकों की भारी कमी है। इन स्कूलों में शिक्षक, प्रधानाध्यापक और पुस्तकालय अध्यक्षों के सृजित पदों की संख्या 1,87,560 है। 24 नवम्बर तक इस स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों की संख्या का केवल 25% है। सबसे कमी उच्च माध्यमिक स्कूलों में, जहाँ शिक्षकों के कुल रिक्त पदों की संख्या 1,17,002 है, जबकि स्कूलों में केवल 11,968 शिक्षक ही है। 9,360 स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जबकि सिर पर वार्षिक परीक्षा इस तरह प्रति उच्च माध्यमिक स्कूलों के जिम्मे औसतन केवल 1 या 2 शिक्षक आ पा रहे हैं। सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन स्कूलों में पढ़ाई का क्या स्तर होगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में कुल रिक्तियाँ 1,40,000 से अधिक है। उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में अतिथि शिक्षक भी नहीं। सत्र 2022-23 के 6 माह गुजर चुके हैं। 6,421 उत्क्रमित प्लस टू और उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर रस्म अदायगी चल रही है। दरअसल इन स्कूलों में समुचित शिक्षक नहीं है। सबसे बुरी स्थिति उन 4,000 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों की है, जहाँ इंटर की पढ़ाई इस साल शुरू हो चुकी है। यहाँ अच्छे खासे नामांकन भी हुए हैं, यहाँ मात्र सांकेतिक रूप से ही शिक्षक है। ऐसा नहीं कि शिक्षा विभाग ने उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों नियुक्ति के लिए प्रयास नहीं किए। 6ठे चरण में स्कूलों के लिए 668 शिक्षकों का ही चयन हुआ, अधिकतर कला संकाय के शिक्षक हैं। इन उच्च माध्यमिक स्कूलों में तो अतिथि शिक्षक भी नहीं है। उच्च माध्यमिक में अतिथि शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में हाई स्कूल के शिक्षक उच्च माध्यमिक में रस्म अदायगी के लिए पहुंचा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई भी एक तरह से अतिथि शिक्षकों के हवाले हैं। शिक्षा विभाग ने इस विद्यालयों में पढ़ाई के लिए कक्षा 6 से 8 तक के स्नातक शिक्षक लगा दिए हैं। इन शिक्षकों का प्रबंध भी चंद स्कूलों में ही हो सका है। तो कितना घटिया स्थिति आप देख सकते हैं, और सरकार को जल्द से जल्द बहाली करनी चाहिए। माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली अविलंब करना चाहिए, और बहुत ही बेकार स्थिति है, और सबसे घटिया दौर से गुजर रहा है अभी माध्यमिक बिहार में। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा की स्थिति जो है बस से बदतर हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।